नमस्कार दोस्तों, यादव प्लम्बर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी इस घर का प्लम्बिंग काम करना है, कुछ काम किए हैं कुछ काम बाकी है। अभी एक्चुअली पहले नीचे का पहले मंजिल हो गया है, ऊपर का दूसरा मंजिल अपने को प्लम्बिंग काम करने का है। अभी कुछ काम कर दिए हैं और ऊपर का टाकी और कुछ काम बाकी है। अभी दिखाते हैं काम का पूरा डिटेल आपको, किधर से क्या गया है और क्या क्या है इसमें। और पहली बात, कभी भी अपना एयर का पाइप किधर से उठाना चाहिए, एयर का पाइप किधर से उठाना चाहिए, वीडियो में पूरा बने रहें किधर सही रहता है और किधर अपने को ज़्यादा प्रेशर मिलेगा एयर से, वीडियो में बने रहें पूरा आपको लास्ट तक पता चलेगा। ये अपना किचन का पाइप है, किचन का पाइप है अपना 75 mm 2.5 इंची। अभी इसको इसमें टी मार के जोड़ने का है। अब इधर अपना झूला लगा है, अभी देखिए इधर झूला लगा है पूरा। इधर अपना संडास का पाइप है, इधर संडास का पाइप है, संडास में अपना टी मार के जॉइंट हो गया है। इधर अपना पीवीसी क्लिप मारते हुए सब ऊपर चला गया है और इधर वाई मार के अपना जॉइंट कर दिए हैं। ये अपना बाथरूम का है, बाथरूम का इधर से ये ऊपर वाला अपना संडास है, ऊपर अपना एयर के लिए निकल गया है। ये अपना बाथरूम का है, बाथरूम का सीधे एयर का ऊपर निकल गया है। ये अपना नीचे आके इसमें टी में जॉइंट हो गया है। अभी एक्चुअली क्या हुआ है, 4 इंची पाइप का करा से इसीलिए पाइप को अपना ऊपर से डाले हैं, ऊपर से डाल के फिर वाई मार के अपना एक वो वाला बाथरूम में गया है, ये अपना सामने वाला बाथरूम में चला गया है। अभी एक्चुअली क्या वाटा बनाना है टाकी रखने के लिए, इसीलिए मसाला ऊपर ले जा रहे हैं। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको दिखाते हैं बाथरूम का कैसे कैसे काम हुआ है, क्या क्या है इसमें, सब डिटेल बताते हैं आपको। और कितना इसमें बेडरूम है, कितना हॉल है। अभी यहाँ से मेन गेट है अंदर जाने के लिए, ये अपना ऊपर चला जाएगा, ये अपना बाथरूम में जाएगा, सॉरी अपना घर में जाएगा। ये हॉल है, ये बड़ा सा हॉल है, ऊपर अपना डिजाइन है, ऊपर चारों तरफ डिजाइन है। अब इधर से अपने को अंदर आए, इधर से एक गेट से अभी अंदर आए। अभी गेट का मॉडल दिया है इस तरह, इधर एक बेडरूम है, इधर बेडरूम है, बेडरूम के ऊपर अपना ये छज्जा दिया है, इसमें डिजाइन निकाला है बेडरूम में। इधर खिड़की है, इस सामने अपना बालकनी है, इधर अपना सामने बालकनी है। बालकनी का ना, अगर घर में बालकनी रहता है तो घर का नज़ारा अलग ही कुछ दिखता है, देखने में भी अच्छा रहता है और घाम का भी धूप का भी मज़ा लेने के लिए अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। ये अपना झूला लगाने के लिए है, 3 झूला लगाने के लिए अपना। ये अपना मंदिर घर है, 3.5x2 का मंदिर घर है। इधर अपने मूर्ति लगेगा।
अभी वहाँ से नीचे से दिखा रहा था आपको, अभी ऊपर आ गया। ये अपना सामने किचन है पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा किचन है। अभी किचन का वायरिंग इधर हो गया है, अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको दिखाते हैं। वीडियो में बने रहे, ताकि भी फिटिंग करना है और भी कुछ काम है स्लैब का, बाथरूम में दिखाते हैं आपको। अपना ये किचन का नल है, इधर नीचे अपना नॉन ट्रफ है, इधर नॉन ट्रफ है, ये नॉन ट्रफ इधर से होके बाहर चला गया है। और ये अपना किचन का नल है, किचन का नल अगर अपना फर्श है, फर्श ही नहीं लगा है, तो नीचे से अपना 43 इंच देंगे ना नीचे से हाइट नल का, तो अपना नल एकदम परफेक्ट आएगा। ये अपना आर ओ का पाइप है, इनलेट है आर ओ का इनलेट, और ये एल्बो वाला आउटलेट आर ओ का आउटलेट है। इधर आर ओ लगेगा, अभी बाथरूम में जाने का है। इधर बाथरूम है, बाथरूम अपना 4x6.5 का बाथरूम है, 4x6.5 का बाथरूम है। एक नॉन ट्रफ इधर है कोने में। इधर अपना मिक्सर है शावर के लिए, हॉट वाटर कोल्ड वाटर। मिक्सर का नीचे से अपना 6.5 और शावर वाला 7 फीट पे देंगे ना, तो मिक्सर परफेक्ट बैठता है। शावर से गीजर का पॉइंट नीचे रहेगा तो प्रेशर मेंटेन हो जाता है। कभी भी शावर से गीजर का हाइट कम देना चाहिए। ये अपना भांडा है, 23 इंची भांडा है। भांडे से अपने को एक फुट से 15 इंची रख सकते हैं नल का पॉइंट, एक फुट से 15 इंची, 12 से 15 इंची रख सकते हैं। अगर फ्लश वाल लग लगाएंगे तो अपने को 7 इंची पीवीसी पाइप डालना पड़ता है। इधर भी एक बेडरूम अटैच है बाथरूम, इधर इंग्लिश सीट है। इधर इंग्लिश सीट है। नीचे कभी भी वाटर सीमेंट का वाटरप्रूफ करें तो अच्छा से करें। वाटरप्रूफ करने के बाद एक बार हल्का से ब्रश मार देंगे ना तो वाटरप्रूफ अच्छा होता है। वाटरप्रूफ अच्छा रहेगा तो लीकेज का चांस नहीं रहता है। पाइप अपना जॉइंट अच्छा रहे और वाटरप्रूफ अच्छा रहे तो लीकेज का संभावना 100% नहीं रहता है। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं आपको। अभी ऊपर आ गए, ये अपनी टाकी फिट करना है। वीडियो में बने रहे, इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे टाकी फिटिंग करके। एक टाकी उधर है, एक टाकी इधर है, और ये अब मार्किंग हुआ है, इसमें दोनों टाकी का फिटिंग करने का है। एक टाकी इधर रहेगा, अभी वाटा बना के फिर फिटिंग करने का अपने को। इधर वाटा बनेगा, अभी राउंडिंग मार्किंग मार के मार दिए, और अपना यहाँ से क्लिप मारते हुए अपना पाइप दीवार से होते हुए अभी दीवार से होते हुए अपना पाइप इधर से अपना पाइप सीधे चला जाएगा आगे। अभी एक्चुअली टाकी से 1.5 इंची का लाइन है। अभी इधर से लेके आना है, इसमें
ऊपर वाला अलग एक ही पाइप से रहेगा, लेकिन ऊपर वाला कनेक्शन अलग रहेगा और नीचे वाला अलग रहेगा। अभी इधर झूला लगाए हैं, झूला लगा के इधर अपने को एयर का पाइप ऊपर लेने का है। अभी ये टाकी इधर लेने का है, अभी वो लड़का बना रहा है उधर। अभी आगे का काम होता है, उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरा फिनिशिंग होने के बाद। अभी अपना पूरा काम ख़त्म हो गया, अभी लग गया पाइप पूरा। अभी बताते हैं आपको कैसे कैसे पाइप लगाए। अभी देखिए इधर अपना एयर के लिए निकाल दिए, एक इंची का एयर के लिए ऊपर निकाल दिए। एक कॉक से ऊपर वाला का कंट्रोल होगा, एक कॉक से नीचे वाला मंजिल का कंट्रोल होगा। इधर से लेके इधर तक अपना पूरा पाइप जॉइंट हो गया टाकी में। दोनों टाकी अपना एक एक 1000 लीटर का टाकी है, वाटर टैंक, एक पारस का एक वेस्टो कंपनी का है। अभी टाकी से आउटलेट 1.5 इंची का है, UPVC। क्या होता है 1.5 इंची का टाकी से अगर पाइप आता है ना, तो अपने को अगर पहले मंजिल पे है तो प्रेशर में दिक्कत नहीं होता है, अगर 1 इंची डालेंगे तो प्रेशर में हल्का कमी हो जाता है। अभी जो चालू है वो नीचे वाला है और जो बंद है वो ऊपर वाला कुआ है। देखिए कभी भी अगर टाकी का आउटलेट निकले, जिधर से अपना को डाउन करना है उधर ही टी मारना चाहिए, एल्बो कभी नहीं मारना चाहिए। अगर टी मारेंगे एक पाइप अपना नीचे चला गया, एक अपना एयर के लिए निकल गया, और एक देखिए टी से 3 तरफ जाता है, एक नीचे, एक ऊपर और एक अंदर। टी जिधर से अपने को पाइप डाउन करना है उधर अपना टी देंगे ना तो सबसे परफेक्ट रहता है। जिधर से अपने को डाउन करना है नीचे उधर टी मारेंगे ना तो एयर भी एक नंबर एयर पास होता है, एयर पास होगा परफेक्ट, अपने को प्रेशर 1 नंबर मिलेगा। क्या होता है आदमी बाहर से नहीं अंदर से छत पे से ही एल्बो मार के इधर बीच से एल्बो मार के उठा देता है, लेकिन ऐसे नहीं रहता है, बीच से टी मार देता है आदमी उठा देता है, लेकिन वैसे नहीं अच्छा रहता है। अगर बाहर से जिधर से डाउन हो रहा है उधर से आप टी मारेंगे ना तो अपना परफेक्ट लाइन और अपना परफेक्ट प्रेशर मिलेगा। अभी देखिए इसका भी अलग से टी मार के उठाए हैं, क्या कहो इसमें एक पर्सनल किचन के लिए है और आरओ के लिए, लेकिन इसका भी पर्सनल अपना टी मार के उठाए हैं तो प्रेशर में दिक्कत नहीं आएगा। अभी इधर से एल्बो मार के इधर अपना रेड्यूसर मार दिए 1/1.5 का, और ये अपना पाइपलाइन इधर सामने आ गया सीधे। ये अपना टाकी के पास आ गया पूरा। ये टाकी का है 1.5 इंची का, ठीक है। टाकी का कनेक्शन लगाया, टाकी कनेक्शन फिर यूनियन फिर वाल वाल, टाकी कनेक्शन यूनियन वाल वाल लगा के फिर टी मार के दोनों इधर आ गया है, दोनों एक ही लाइन में जोड़ दिए हैं। क्या होगा अगर एक टाकी का स्टोरेज रहेगा एक टाकी यूज होगा, दोनों टाकी का एक बार चालू कर देंगे, एक बार भी चालू कर सकते हैं वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होता है एक आदमी स्टोरेज करके रखेगा एक आदमी चालू कर देगा, एक चालू करेगा एक बंद करेगा, इसलिए पानी कभी भी मेंटेन हो जाएगा। अगर एक आदमी को पता चलेगा ये भर गया है तो एक आदमी चालू करेगा एक बंद कर देगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।